तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कई तरह की बातें उन्होंने भाजपा पे की। देखिए बौखलाहट में है क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्यों ज्यों वक्त नजदीक आता जा रहा है उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तय हुआ है, कामकाज से खुश नहीं थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह है, चाहे कोई और है, सब लोग लगे थे क्या होगा आने वाले समय में, इस बात को लेकर आशंकित है, चिंतित है। और फिर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिस बयानबाजी से अपना अपनी ही हंसी का जो है वो प्राय बने हुए। सर एक बात और भाजपा ने कही है कि 4 तारीख में जब ये प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होगी। देखिए हम कह रहे हैं कि हम 6 उपचुनाव हो रहे हैं ये जीतेंगे। CPS का 6 का मामला कोर्ट में चला है, वो उस दिशा में जाता दिख रहा है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, तो इसलिए संभावना तो व्यक्त की जा सकती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से होकर के रहेगा, सरकार तो है ही नहीं। आपको तरफ कहाँ सरकार, किस बात की सरकार है जो राज्यसभा की बहुमत की होने के बावजूद भी सीट हार गई है, और ऐसी सूरत में कोई भी वजह नहीं बनती है। सर कल आप नामांकन पत्र बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर सारी चीज को लेकर, कितने अस्वस्थ हैं आप? कल दूसरी बार नामांकन, और पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ जिन्होंने दूसरी बार मौका दिया है। और जिस प्रकार से आज देश में मोदी जी की प्रचंड जीत को लेकर हर कोई जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त है, तो जहां शिमला सीट हम जीतेंगे चारों की चारों सीटें जीतेंगे, ये तय है। जनता ने मन बना लिया है कि आएंगे तो मोदी ही, और ये तय हो गया है। आज जो यहां विशाल जो जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी सभा थी, जनसभा थी, जनता का भरपूर आशीर्वाद 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है, और जहां जिस प्रकार का जोश कार्यकर्ताओं के अंदर है, संसदीय क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि दूसरी बार यहां पर कमल का फूल खिलाएंगे और लगातार चौथी बार शिमला सीट को भी हम जीतेंगे। सर पिछली बार से बड़ा होगा, निश्चित रूप से पिछली बार जनता का आशीर्वाद मिला था, जहां हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी। शिमला संसदीय क्षेत्र की सीट भी 3,27,000 वोटों से हमने जीती थी, और रेणुका और रोहड़ू में पहला मौका था आज़ादी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। आज उसी प्रकार का माहौल 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में है, और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार हम सीट को जीतेंगे। पर सर कांग्रेस कह रही है कि जब आप सांसद थे तब आपने कुछ नहीं किया हिमाचल प्रदेश, मुझे कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराए हैं, 7,000 करोड़ का रेणुका डैम प्रोजेक्ट, 2600 करोड़ रुपए का जो हमारा सुन्नीका डैम प्रोजेक्ट, हमारा इसी प्रकार से 1426 करोड़ रुपए का जो हाट कोटी से लेकर शिलाई पांवटा साहिब तक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे, शिमला में दूसरी टनल अंग्रेजों के बाद ढली में जो बनी है, ठियोग का बाईपास, हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़, पिंजौर से बद्दी रेलवे लाइन, पिंजौर से बद्दी चंडीगढ़ से बद्दी 4 लेन, परवाणु से शिमला 4 लेन, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धोला कुआं, नाहन का मेडिकल कॉलेज, ऐसे अनेकों संस्थान हमने इन 3 साल हम कह सकते हैं क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण चल गए, लेकिन जो 6-6, 7-7 बार सांसद रहे हैं, कोई एक संस्थान बता दें जो उन्होंने करवाया हो। हाटी का बहुत बड़ा मुद्दा जिला सिरमौर का था, मैं आभारी हूं अपने शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, उसको भी सिरे चढ़ाया गया। ऐसे अनेकों काम मेरे संसदीय क्षेत्र में इन 5 सालों के दौरान हमने किए, और आज जनता इस बात को समझती भी है, जनता इस बात को जानती भी है, और जनता ने मन बनाया है कि इस बार फिर से मोदी जी को लाना है और शिमला सीट को भी जिताना है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। फोन करो नीचे सर, एक सर सर एक नीचे और शिमला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुरेश कश्यप जी कल 13 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले 17 विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में ये भव्य समारोह किया गया। हजारों की संख्या में भाई बहन जगह जगह से ढोल ढमाके के साथ आए और माननीय सुरेश कश्यप जी को अपना आशीर्वाद दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना और सहयोग देने का वचन दिया। और आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए भारत के प्रत्येक स्थान से मोदी जी को मत मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर मैं गया हूँ और मैंने वहाँ जनमानस का मूड पढ़ा है। पिछले कल हम हमीरपुर थे, जो उत्साह जो उमंग जो नज़ारा, उससे पहले दिन हम धर्मशाला थे, जिस प्रकार का उत्साह उमंग, और कल हम लोग मंडी जाने वाले हैं। इस प्रकार चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतने वाली है और साथ ही 6 विधायकों की सीटें 6 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज ये इस मंच से मैं और भारतीय हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड देख करके घोषणा कर रहा हूँ। सर, 4 तारीख बाद आपने बोला कुछ टकाटक, किस तरह से टकाटक? हिमाचल प्रदेश की जनता प्रदेश की वर्तमान सरकार से बहुत त्रस्त है। सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। जनता के लिए सरकार का खजाना खाली है, मुख्यमंत्री जी के दोस्तों के लिए खजाना भरा हुआ है, उनके लिए गाड़ियां, बंगले, पायलट, कैबिनेट के रैंक, ये सब दिए जा सकते हैं, परंतु जो 1500 संस्थान बंद कर दिए वहाँ पर और उनके लिए धनराशि नहीं है। जनता त्रस्त है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद विकास बंद है और फिर धोखा, बेईमान, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एक बार नहीं, तीसरी बार 2022 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया बहनों के साथ, फिर उसके बाद 24 में फिर फॉर्म भरवा रहे हैं पर जवाब नहीं आया। मैंने पूछा 2022 के फॉर्म कौन से कबाड़ी को बेचे, जवाब नहीं आया। फिर पूछ रहा हूँ 2024 के फॉर्म भर रहे हैं, कौन से कबाड़ी को बेचने का ठेका दिया है, इसको भी बता देना चाहिए। इसलिए हिमाचल की जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। 6 सीटें अभी जीतेंगे, 6 सीटें फिर खाली होने वाली है। अनधिकारिक रूप से CPS बनाए हैं, 9 उपचुनाव फिर आएंगे, इसका रगा रंग आपके सामने पता लग गया। ठीक है सर।